शुभो शुभो सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग्स में। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी चल रही है नवरात्रि। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड लकीली दिस टाइम आई एम इन गॉडेस दुर्गाज ओन लैंड। या यू गेस्ट इट राइट, आई एम इन कोलकाता। एंड ऐसा ना बहुत सालों के बाद हुआ है कि मैं दुर्गा पूजा के टाइम स्पेशली कोलकाता में हूँ। सो आई एम गोना मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाली हूँ। दुर्गा पूजा के टाइम पे ना इस शहर की रुख ही बदल जाती है। हर तरफ आप जिधर भी नज़रें घुमाओ आपको सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स दिखेंगी। इस शहर को ना पूरा ऐसा लगता है जैसे दिवाली आ गई हो, इस तरह से इस शहर को सजा दिया जाता है। ट्रस्ट मी, ये सब सिर्फ घर में बैठे बैठे देखने से मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं बता दूँ कि मैं ना अभी जहाँ पे रहती हूँ वो 13th फ्लोर पे हमारा फ्लैट है। एंड यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा शहर ही दिखता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी दूर दूर तक दिखता है मुझे सब कुछ। बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है लकीली। तो यहाँ पर लाइट शाम के टाइम से जलना शुरू हो जाता है और पूरी रात लाइट्स जलती है। तो मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ बाहर निकलने के लिए। मुझे देखना है कि बाहर किस तरह से सजाया गया है इस शहर को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए। एंड आज सप्तमी है और पापा ने बोला है कि फटाफट से रेडी हो जाओ, हम सब आज शाम को बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो अभी कुछ 4:15 बज रहे हैं घड़ी में और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। देखते हैं आज मैं क्या पहनती हूँ। वैसे मन तो है मेरा कि मैं कुछ नया पहनूँ अच्छा सा, क्योंकि ब्लॉग्स बनाने हैं, ऑफकोर्स अच्छे दिखना है। बट मम्मी का कहना है कि बाहर पंडाल में बहुत भीड़ होगी, कपड़े गंदे हो सकते हैं, फट सकते हैं। तो मम्मी का कहना है कि नया कपड़ा पंडाल देखने के लिए मत पहनो, अष्टमी को हम पहनकर बाहर कहीं खाने पीने के लिए जाएंगे। तो मम्मी का ऐसा कुछ कहने का है। तो मैं भी सोच रही थी कि हाँ, मम्मी का कहना भी गलत नहीं है, पंडाल में भीड़ बहुत होती है, कपड़े फट सकते हैं। तो देखती हूँ कुछ सिंपल सा पहन लूँगी। अभी तो मुझे नहाना भी है। एंड या बहुत हो गई बातें, पापा वरना गुस्सा करेंगे। मैं जल्दी से जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो रेडी होके मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक बहुत ही कैजुअल सा लुक है आज का। एंड अभी हम चलते हैं बाहर पैंडल हॉपिंग के लिए। तो जी, रेडी शेडी होकर हम सब निकल लेते हैं इस साल का पहला पंडाल देखने के लिए। सबसे पहले हमने शुरुआत करी कॉलेज स्क्वायर से, जो कि कॉलेज स्ट्रीट में है। कॉलेज स्ट्रीट अपने सेकेंड हैंड बुक मार्केट एंड द मोस्ट आइकॉनिक इंडियन कॉफ़ी हाउस के लिए बहुत फेमस है। किसी दिन इधर आकर ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल पंडाल पर फोकस करते हुए मैं आपको बता दूँ कि इस साल कॉलेज स्क्वायर के पंडाल का थीम था माइसोर पैलेस। सामने एक बहुत बड़ा सा लेक था जिसे काफ़ी सुंदर तरीके से लाइट से सजा रखा था। और ये पंडाल बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पंडाल यानी कि पऊ बाजार के संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल की। अभी तो पंडाल के पास पहुँचे भी नहीं थे और लोगों की इतनी लंबी लाइन देख कर तो मेरे पसीने ही छूट गए। लेकिन जो भी कहो, पंडाल के पास पहुँचते ही मैं तो मानो मंत्रमुग्ध हो गई। गाइस, संतोष मित्रा स्क्वायर पंडाल का इस साल का थीम था अयोध्या राम मंदिर, जो कि देखने में इतना खूबसूरत था कि मैं क्या ही बताऊं। आप यकीन मानो, ये मेरा इस साल का फेवरेट पूजा पंडाल था। और गाइस, ये अंदर से भी बहुत ही शानदार था। सीलिंग पर जो कारीगरी की गई थी ना, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगी। फिर हम सब वहाँ से निकलते हैं। एंड गाइस, लुक एट इट। मैंने कहा था ना, इस शहर को लाइट से पूरी तरह सजा देते हैं। ये वाला पंडाल एक डालिया एवरग्रीन क्लब का था, ये भी खूबसूरत था। इसके बाद हम बढ़ते हैं लेक टाउन की तरफ और ये देखो गाइस, कोलकाता घूमते घूमते मैं लंदन ही पहुंच गई। वैसे ये कोलकाता का क्लॉक टावर है। अभी हम लोग आ गए हैं श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में, जो कि सॉल्ट लेक में है और अंदर
अंदर देखते हैं क्या। वैसे मैंने सुना तो है कि यहाँ पे डिज्नीलैंड लगा है, पर देखते हैं अंदर कैसा है। मीट माय दीदी, मैं इसके साथ आई। बहुत भीड़ है गाइस, देख सकते हो। आई डोंट नो मैं ऑडिबल हूँ भी या नहीं, बट लाइक यहाँ पर ना दो गेट से एंट्री के लिए एंड बारी बारी से सबकी चांस आती थी। हम यहाँ पिछले एक घंटे से खड़े और दीदी अब पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर ना दूसरी गेट खुल चुकी थी और ये देखो लोग कैसे दौड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हर दो मिनट पे ना गेट को वापस। यहाँ पे ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि फाइनली दो घंटों के बाद हमने रस्सी क्रॉस कर ली थी। दिल्ली अभी दूर थी जनाब, मैं तो खामखा ही खुश हो गई थी। अंदर जाकर पता चला कि अभी और चलना है, बट आप देखो गलियों को कैसे सजा रखा है, मानो पेरिस की स्ट्रीट्स हो। वाओ। तो जी फाइनली तीन घंटों की मशक्कत के बाद हम पहुंच ही गए थे डिज्नीलैंड पंडाल के सामने। इसकी लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत थी। तो जी पंडाल अंदर से कुछ इस तरह का था और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दुर्गा माँ ने जो ज्वेलरीज पहन रखी है वो असली सोने का है। आप बताना आपको क्या लगता है। पंडाल से निकलकर मुझे लग जाती है भूख, तो मैंने खा लिए मोमोज जो कि बहुत ही बुरे थे। घूमते घूमते हमें तकरीबन 6 घंटे हो गए थे और अब सारे मिलकर यही डिसाइड कर रहे थे कि अभी और घूमना है या सीधा घर चलना है, क्योंकि सारे बहुत थक चुके थे। माँ दुर्गा रागो मोने उल्लासे आलिंगो ने महामारी मुझे जाबे आज आगेर पीठे पड़ल काटी पूजो होक जमजमाटी नूतन साजे सेजेछे आकाश। घर जाते वक्त हमें बीच में चेतला में ये वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल दिखा, तो हमने सोचा इसे भी विजिट कर ही लेते हैं, इसके बाद घर चलेंगे। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही खूबसूरत था। इसमें एक चील के मुंह के अंदर माँ को बैठाया हुआ दर्शाया गया था, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। सो गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ घर एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हम ज़्यादा जगह तो नहीं घूम पाए, बट या वी कवर्ड 3-4 प्लेसेस ऑन डे 1, दैट इज सप्तमी। सो या स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, आज है डे 2 यानी कि अष्टमी का दिन और मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर निकलने के लिए। सो या आज मैंने एक वाइट चिकनकारी कुर्ती पहन रखी है एंड टेल मी हाउ इज माई झुमका, आई रियली लाइक इट। सो या आगे चल के मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अष्टमी का हमारा पहला पंडाल था बोस पुकुर शीतला मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल, जिसका थीम मुझे बहुत ही क्रिएटिव लगा। ये पंडाल लगभग 12,000 डिस्कार्डेड स्टील चेयर से बना था। सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ सारे चेयर्स पे मोदी लिखा हुआ मिला। अनलाइक अदर पंडाल्स जहाँ पर माँ दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है, यहाँ पर माँ बहुत ही शांत तरीके से सिंहासन पे बैठी हुई थी, जो मुझे बहुत अलग लगा। बोस पुकुर से निकलकर हम बढ़ते हैं त्रिधारा की तरफ और ये पंडाल आप देखो कितना खूबसूरत है। मुझे इस पंडाल की लाइटिंग पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी।
पंडाल के बाहर ना मेला लगा था और मुझे मेले में बहुत सारे झूले दिखे, खाने पीने की चीज़ें दिखी और मैं ना काफ़ी टाइम से ये रोलर कोस्टर या रोलर कुल्फी आप जो भी कह लो वो खाने का मन था। तो इस बार तो मैं ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली थी, तो मैंने फटाफट से भैया को बोल करके एक प्लेट खुद के लिए मंगवा लिया और मैंने ये पहली बार लाइफ में खाया है गाइस, एंड ट्रस्ट मी ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मैं मेले में और भी चीज़ें देखने लगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्वेलरीज हैंडमेड बने हुए थे, मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एंड नीचे बहुत सारी टोकरी एंड ज्वेलरीज भी रखी हुई थी। इसके बाद हमने एक लास्ट पंडाल विजिट करा जो कि पूरा पत्तों से बना हुआ था और ये भी दिखने में अच्छा था। गाइज अंदर ना शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मिठाई लेने के बाद हम सीधा घर की तरफ चल दिए। सो यार गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ घर एंड मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा, लाइक एज इन पहला ब्लॉग। सो या इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।